प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका पद की पहचान चैप्टर और पूरा लिखित व्याख्या आप सभी को बताएंगे। एक एक पद की व्याख्या पहले आपको बुक में समझाएंगे, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटन नोट्स में दिखाएंगे कि कैसे आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। तो भैया वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक पद आपके दिमाग में छप जाने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मीनिंग्स बताई जाएँ उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, एक एक पद आपके दिमाग में छापते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और जीवन में उतारने वाली कविता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे बटोही, बटोही मतलब क्या है, राहगीर, मुसाफिर, पथिक, पथिक मतलब चलने वाला, राहगीर या मुसाफिर जिसे को कहते हैं, ठीक है ना। तो हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे मुसाफिर, हे रास्ते पर चलने वाले पंथी, पूर्व चलने के यानी कि चलने के पहले, किसी भी मार्ग पर चलने के पहले तुम बाट की, बाट की मतलब मार्ग की पहचान कर लो, अच्छे से उस मार्ग की पहचान कर लो। यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, आप जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए कि क्या आप उसके योग्य हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। क्या पता वो बहुत ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है और आप उसके योग्य नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको पहले उस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। हे बटोही, हे पथिक, हे मुसाफिर, किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तो उस मार्ग के बारे में अच्छे से जानकारी कर ले, क्योंकि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस रास्ते की कोई भी कहानी किसी भी किताबों में नहीं छपी हुई है, पुस्तकों में मतलब किताबों में नहीं है छापी गई, मतलब वर्णन किया गया, यानी तुम्हारे इस मार्ग में क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या अच्छाई आएगी, क्या तुम सक्सेस हो पाओगे, क्या तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये कहानी किसी भी किताब में छापी नहीं गई है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों का जवान, औरों की जवानी, और ना ही इसका क्या परिणाम होगा। हाल माने परिणाम, इसका, इसका माने इसका, यानी जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ज्ञात होता, किसी को पता नहीं होता है ना औरों की जवानी, औरों की मतलब दूसरों की जवानी, मतलब बातों से, यानी दूसरे व्यक्तियों की बातों से भी इसका क्या परिणाम होगा तुम नहीं समझ पाओगे, यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे इस मार्ग का क्या परिणाम होगा इसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक है। इसका आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा और मार्ग में आने वाली कठिनाइयां तुम्हें स्वयं झेलनी पड़ेगी, कोई तुम्हारा कुछ भी साथ देने वाला नहीं है, ठीक है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कवीवर कहते हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते से असंख्यों, अनगिनत माने असंख्यों राही गए हुए हैं, राही मतलब पथिक, ठीक है ना, रास्ते पर चलने वाले या मुसाफिर एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो असंख्यों मुसाफिर इस रास्ते से गए हैं, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उनका पता क्या, उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, सक्सेस हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ उनका, ठीक है ना, कि वो दूसरे मार्ग पर चले गए कि रास्ते भटक गए, उनका कुछ भी आज तक पता नहीं चला। पर कुछ ऐसे लोग हुए, पर गए कुछ लोग इस पर कुछ ऐसे लोग हुए जो इस रास्ते पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। पैरों की निशानी का मतलब ये है कि वो कुछ ऐसे काम करके गए हैं इस रास्ते में जो आज तुम्हें मोटिवेशनल करते हैं, ठीक ना, या तुम्हें मोटिवेट करते हैं। वो कुछ ऐसे महान काम करके गए हैं, पैरों की निशानी के मतलब ये है कि वो इस रास्ते में कुछ ऐसे महान काम करके गए हैं जो तुम्हें आज मोटिवेट करते हैं और जिससे तुम भी सक्सेस होने के लिए मेहनत करते हो, ठीक है। यह निशानी मुँह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जो भी वो महान काम करके गए हैं, भले ही वो शांत हो, मुँह माने शांत हो, ठीक है ना, यानी उनके पैरों की निशानी भले ही शांत हो लेकिन वो शांत होते हुए भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, बोलती है मतलब खाती है, मतलब मोटिवेट करती है या प्रेरणा देती है, ठीक है। इसलिए हे पंथी खोल इसका अर्थ, यानी कि उनके द्वारा किए गए महान काम तुम्हें क्या मोटिवेशन देते हैं, हे पंथी तुम इसका खोलो अर्थ, यानी इसका अर्थ बताओ और वर्णन करो
और पंथ का अनुमान कर लो। तुम जिस रास्ते में चल रहे हो उसका अनुमान कर लो, संभावना कर लो कि क्या तुम सक्सेस होगे या नहीं होगे, ठीक है ना। पंथ माने रास्ता, का अनुमान, अनुमान माने संभावना कर लो, ठीक है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, इसलिए हे मुसाफिर किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम अपने गंतव्य की पहचान कर लो, यानी तुम जहाँ जा रहे हो क्या तुम वहाँ पर पहुँच पाओगे या नहीं इसकी पहचान कर लो और अपने मन में सोच विचार लो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से पहला पद आपका कंप्लीट होता है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो मित्रों, सबसे पहले एक तरफ आपको लिखना है पूर्व चलने के, दूसरी तरफ पहचान कर ले, ठीक है, डैश डैश लगा देना। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित पथ की पहचान नामक कविता से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग देख लो, इसमें कवि चाहता है कि हमें कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए, ठीक है। व्याख्या देखो, कवि कहते हैं कि हे पथिक किसी भी रास्ते पर चलने से पहले तुम रास्ते की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य की कहानी किसी भी किताब में नहीं प्रकाशित की गई है। तुम्हारे लक्ष्य का क्या परिणाम निकलेगा यह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, यह तुम्हें स्वयं सोचना पड़ेगा। हे पथिक, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस पर असंख्यों पथिक गुजर चुके हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे महान पथिक थे जो अपने पैरों की निशानी छोड़ करके गए हैं, अर्थात महान कार्य कर गए हैं। उनके द्वारा किए गए महान कार्य तुमको बहुत कुछ सीख देते हैं, अतः हे राहगीर उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपना मार्ग निश्चित कर ले और उस पर चलना शुरू कर दो, ठीक है। इतना आपको व्याख्या लिखना है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, शैली गीत शैली है, यानी गीत की तरह इसे आप गा सकते हैं, अलंकार विरोधाभास है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। देखो मैं आपको पहले समझाता जाता हूँ, पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अब, ठीक है ना। पहले आपको समझाते जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ते हैं तो हमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आपको आगे चल के पूरा लिखना भी बताएंगे। तो पहले यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि यह बुरा होगा या अच्छा होगा, यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो इसका परिणाम अच्छा होगा या खराब होगा, इस बारे में। जैसे अब यहाँ पर तो अभी वो आपको किसी भी रास्ते पर चलने से पहले एक उसके बारे में सोच विचार करने के लिए कह रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं कि हे पथिक, यदि तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो, सब कुछ सोच विचार करके अगर तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो, तो अब उसके परिणाम के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि उसका परिणाम बुरा होगा या अच्छा होगा, तुम इस पर फालतू दिन, व्यर्थ दिन मतलब बेकार में दिन, इस पर मत व्यतीत करो। उसका परिणाम अच्छा होगा या खराब होगा, इस पर तुम फालतू में अपना टाइम व्यतीत मत करो। अब असंभव छोड़ या पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह असंभव हो जाएगा और उस रास्ते को छोड़ करके दूसरे रास्ते की ओर पग, अपने पैर कभी मत बढ़ाओ, ठीक है ना। पग बढ़ाना मतलब कभी मत बढ़ाओ, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर जो लक्ष्य अब निर्धारित कर चुके हो सोच विचार करके अच्छे तरीके से, उसको अब मत छोड़ो, उस पर डट करके काम करो, ठीक है ना। अब असंभव कि अब तुम उसे सक्सेस नहीं हो पाओगे, उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर अपने पैर मत बढ़ाओ, तुम इसे अच्छा समझ यात्रा सरल बनेगी इससे, यानी तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो बस उसी को अच्छा समझो, ठीक है। अगर तुम सोच विचार करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो तो तुम जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लिए हो उसे अच्छा समझो, इससे तुम्हारी यात्रा सरल बनेगी। और तुम अगर ये सोचोगे, अगर कवि कहते हैं कि ये मत सोचो कि केवल तुम्हें ही ये मार्ग में चलना पड़ रहा है, यह पड़ा मन में बिठाना, यानी केवल तुम्हें ही यह अपने मन में बैठाना पड़ रहा है, ये तुम अपने मन में मत सोचो, ठीक है। क्योंकि हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, क्योंकि जितने भी सक्सेस हुए हैं इस मार्ग से, ठीक है ना, जितने भी पंथी माने राहगीर, जितने भी राहगीर इस राह से सफल हुए हैं, ये विश्वास लेकर के इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं कि उनका रास्ता अच्छा है, ठीक है ना। यानी वो अपने मन में सोच विचार करके चले हैं कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो अच्छा है, तभी वो यहाँ पर सक्सेस हुए हैं। इसलिए तुम इसको असंभव समझ करके इस रास्ते को छोड़ करके दूसरे पर पग बढ़ा ना, ठीक है ना, यानी दूसरे पर अपने पैर मत बढ़ाओ, ठीक है।
अभी कैसे लिखना है मैं समझा दूंगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा होगा इन चीज़ों पर, तो टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तू जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर अपने चित्त यानी अपने मन का अवधान कर ले, मतलब लगा ले, ठीक है ना, यानी अपने मन को तू उसी रास्ते पर अच्छे तरीके से लगा ले और पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे पथिक, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते के परिणाम का पहचान कर ले कि उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, इतना आपको लिखना है। अब चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आप लोगों को कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखना है, एक तरफ आपको लिखना है यह बुरा है, दूसरी तरफ पहचान कर ले, फिर डैश डैश कर देंगे, संदर्भ में पूर्ववत यानी जो पिछले पद में बताया हूँ सेम वही यहाँ पर आपको उतार लेना है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि बताते हैं कि विवेकपूर्ण किसी कार्य को चुन लेने पर उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे अधूरा छोड़ देना ठीक नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप सोच समझ करके किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिए हैं तो उसे छोड़ना आपके लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है, ठीक है। व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि विवेकपूर्ण कार्य का चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है, क्योंकि उस पथ को छोड़कर दूसरे पर चलना भी संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए हे पंथी, अपने लक्ष्य को श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत शुरू कर दे। साथ ही तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयां तुझे ही उठानी पड़ रही हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है वह अपने कार्य श्रेष्ठ समझता रहा है, ठीक है ना, यानी उसे अच्छा समझ करके काम किया है। आगे लिखेंगे, इसलिए तुम अपने मन को अपने लक्ष्य से जोड़ लो, सोच विचार करना है तो कार्य यानी लक्ष्य का चुनाव करने से पहले किया करो, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा सरल खड़ी बोली, शैली प्रवाहपूर्ण गीत शैली, रस शांत शब्द शक्ति, लक्षणा अलंकार अनुप्रास, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पद पर, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। देखो कवि कहते हैं कि हे राह पर चलने वाले राहगीर, हे मुसाफिर, ये भी तेरे इस रास्ते में जिसमें तू चल रहा है यह निश्चित नहीं है, अनिश्चित माने निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुझे नदियाँ मिलेंगी, ठीक है ना, यानी यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुझे नदियाँ मिलेंगी, किस जगह पर तुझे पर्वत मिलेंगे, किस जगह पर तुझे गुफाएं मिलेंगी, गहवर माने गुफाएं मिलेंगी, ठीक है ना, किस जगह पर तुझे गुफाएं मिलेंगी, ये कोई भी निश्चित नहीं है कि तुझे रास्ते में पीने के लिए पानी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी निर्धारित नहीं है। यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पर तुझे बाग बगीचे मिलेंगे, किस जगह पर तुझे जंगल सुंदर जंगल मिलेंगे, यह भी कुछ भी निर्धारित नहीं है, ठीक है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। कवि कहते हैं कि हे राह पर चलने वाले मुसाफिर, तेरी यात्रा कहाँ पर खत्म होगी अर्थात तुझे सफलता कब मिलेगी, यह भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना, तुझे किस जगह पर तेरी यात्रा खत्म हो जाए, कब तू सक्सेस हो जाएगा, यह भी यहाँ पर निश्चित नहीं है। और है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पर मिटा हुआ था तो इसको मैंने पेन से लिख दिया है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी एक क्लिप जो है बुक की ये PDF की क्लिप मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कहते हैं कि हे राह पर चलने वाले मुसाफिर, तेरे इस रास्ते में यह भी निश्चित नहीं है कि कब तुझे फूल मिलेंगे, यानी कब तुझे फूल मिलेंगे रास्ते में, और कब तुझे कंटकों के सर मिलेंगे। कंटकों के सर मतलब ये है कि बाण की तरह चुभने वाले कांटे, ठीक है ना, कब तुझे तेरे रास्ते में बाण की तरह चुभने वाले कांटे मिलेंगे यह भी निश्चित नहीं है। और कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा माने अचानक छूट जाएंगे मतलब दूर हो जाएंगे, तेरे इस राह में कौन तुझसे अचानक दूर हो जाएगा और कौन तुझसे अचानक आकर के मिल जाएगा, ये कुछ भी निर्धारित नहीं है, ये सब कुछ अनिश्चित है, ठीक है ना, यानी कुछ भी कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे मुसाफिर, तेरे रास्ते में कोई भी बाधा आ जाएगी, आ पड़े कुछ भी मतलब तेरे रास्ते में कोई भी बाधा आ जाएगी तो इससे रुक जाएगा ऐसा तू अपने मन में कभी भी सोचना मत, ठीक है ना, तू ना ऐसी आन आन माने उम्मीद या सोच रखना, ठीक है ना, सोच कर ले, आन कर ले मतलब सोच कर ले, तेरे रास्ते में कोई भी बाधा आ जाएगी तो इससे रुक जाएगा अपने मन में कभी ऐसा मत सोचना, ठीक है, अपने मन में कभी भी ऐसा मत सोचना, बस तू यही सोचना कि कोई भी बाधा आ जाए मैं उससे लड़ूंगा, ठीक है,
आगे आप लोग लिखेंगे कि पूर्व चलने के बटोही बाट का पहचान कर ले, कि हे मुसाफिर किसी भी रास्ते में चलने से पहले उसके गंतव्य की पहचान कर लो, उसके लक्ष्य की पहचान कर लो, उस रास्ते की भली भांति पहचान कर लो। ठीक है, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है अनिश्चित, दूसरी तरफ पहचान कर ले। ठीक है, डैश डैश लगाएंगे, संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे। इसमें कवि जीवन पथ में आने वाले सुख दुखों के प्रति सचेत करते हुए मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि हे पथिक, तेरे मार्ग में यह निश्चित नहीं कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर नदी, पर्वत और गुफाएँ मिलेंगी। तेरे मार्ग में कब कठिनाइयां और बाधाएं आएंगी यह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तेरे मार्ग में किस स्थान पर सुंदर वन मिलेंगे। ठीक है, यह भी नहीं कहा जा सकता कि कब तेरी जीवन यात्रा समाप्त होगी और कब तेरी मृत्यु होगी। ठीक है, कभी कहते हैं कि यह भी अनिश्चित है कि मार्ग में तुझे कब फूल मिलेंगे और कब बाढ़ की तरह चुभने वाले कांटे मिलेंगे। ठीक है ना, और कब कांटे तुझे घायल करेंगे, कौन तेरा साथ छोड़ेगा और कौन तेरे हाथ पकड़ेगा यह भी निश्चित नहीं है। तू अपने मन में प्रण कर ले कि जीवन की कठिनाइयों की परवाह न करके तुझे आगे बढ़ते जाना है। हे पथिक, तू पथ पर चलने से पहले अपने गंतव्य का अनुमान कर ले। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और अच्छी प्रेरणा देने वाली कविता है। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक, रस शांत, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास रूपक। चलिए चलते हैं अगले पद पर। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब हैं इन्हें अपना, उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ नैनों के निलय में। चलो हम आपको पहले समझाते हैं। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मुसाफिर तुझे कौन कहता है कि तू अपने अंदर सपनों को ना आने दे, यानी कौन तुझे कहता है, तुझे कौन कहता है कि तू अपने अंदर, अपने हृदय में, अपने मन में सपनों को ना आने दे। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी उम्र में, अपने समय में सपने देखते हैं। कोई भी व्यक्ति हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो अपने उम्र और समय के हिसाब से अपने प्रकार के सपने देखते हैं। ठीक है ना, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। अगर तू ये सोचे कि बिना सपने किए तुझे सफलता मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता, मिल नहीं सकती सफलता। यानी बिना सपने किए अगर तू प्रयास करेगा, यत्न करेगा, तो तुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात तुझे एक सपना निर्धारित करना है, यानी एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अगर बिना लक्ष्य के तू काम करेगा तो कभी भी तुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। क्योंकि कभी कहते हैं कि कोई भी सपना अगर तुम्हारे मन में आता है, कोई भी सपना अगर तुम्हारे मन में आता है, तो ये एक न एक, कोई ना कोई एक अच्छा सा लक्ष्य लेकर के आता है। ठीक है ना, ये मन में उदित तो होते हैं तो लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। नयनों के निलय का मतलब ये है कि आँख रूपी कमरे में। ठीक है, यानी कि नेत्रों को एक आँख की तरह मान लिया गया है। ये कहते हैं कि ये जो सपने होते हैं ये तेरे आँख रूपी कमरे में जब भी उदित तो होते हैं तो ये कुछ ना कुछ ध्येय लिए रहते हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ठीक है, ध्येय माने लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ इनका लक्ष्य होता है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो। कभी कहते हैं कि हे मुसाफिर, इस रास्ते के, ये देखिए, जग के पंथ पर यानी संसार रूपी रास्ते पर, किंतु हे मुसाफिर इस संसार रूपी रास्ते पर यदि सपने दो हैं तो सत्य दोषो हैं। यानी कि सपने अगर दो हैं तो सत्य कितने हैं, 200 हैं, यानी कि 100 गुना ज़्यादा हैं। यानी कि स्वप्न से ज़्यादा तो सच्चे सच्चे संस्कार हैं, सच्ची चीज़ें हैं। ठीक है ना, सच्ची बातें हैं। इसलिए स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। इसलिए कहते हैं हे मुसाफिर, केवल तू अपने सपने पर ही मुग्ध मत रहना, केवल तू अपने सपनों पर ही मग्न मत रहना, थोड़ा बहुत इन संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान कर लेना, सत्य का भी ज्ञान कर लेना, मतलब वास्तविकता का भी ज्ञान कर लेना। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे मुसाफिर किसी भी रास्ते पर चलने से पहले तू उस रास्ते की भली भांति पहचान कर ले। ठीक है, व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों एक तरफ लिखना है कौन कहता है, दूसरी तरफ कर ले। ठीक है, डैश डैश संदर्भ पूर्वत प्रसंग, यथाशक्ति और मनुष्य की महत्वाकांक्षा में क्या तालमेल होना चाहिए, इन पंक्तियों में बताया गया है। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे, हे पथिक, तुमसे ऐसा किसी ने कहा नहीं कहा है कि तुम अपने मन में सपनों को ना आने दो, क्योंकि अपनी अपनी उम्र में और अपने अपने समय में सभी लोग सपने देखते हैं।
हे पथिक, तू प्रयास करने पर भी इसमें सफल नहीं हो सकता कि तेरी कल्पनाएं मन में ना उठें। ठीक है, ये सपने कभी व्यर्थ नहीं होते, इनका भी एक लक्ष्य होता है। परंतु हे पथिक, इस जीवन रूपी पथ पर सपने बहुत कम हैं, उनके सामने यथार्थ सत्य असंख्यों हैं। ठीक है ना, अतः हे पथिक, तुम केवल सपनों पर ही मग्न मत रहो, अपितु सत्य का भी ज्ञान करते जाओ। हे पथिक, चलने से पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो। ठीक है, इतना आपको लिखना है। काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। देखो, समझिए, मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है ना, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते पर सक्सेस होने के सपने हमें पहले से आने लगते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, यानी हम किसी भी रास्ते पर चलने से पहले हम उस रास्ते में स्वर्ग के सपने देखने लगते हैं, हमें स्वर्ग के सपने आने लगते हैं। और द्रग कोरकों, कोरकों माने कलियाँ होती हैं। ठीक है, कोरकों माने कली और द्रग माने नेत्र, यानी हमारे नेत्र रूपी कलियों में दीप्ति माने चमक, आती माने आने लगती है, यानी हमारे नेत्र रूपी कलियों में चमक आने लगती है और हम उस मार्ग पर चलने से पहले ही स्वर्ग के सपने देखने लगते हैं। ठीक है, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, और हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं। ठीक है ना, पंख लग जाते पगों को, हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं और हमारी छाती जो है उन्मुक्त माने स्वतंत्र होकर के ललकने लगती है, यानी उत्साहित तो होने लगती है, यानी उत्साह से भर जाती है। अगर कोई भी हमें एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस पर काम करने से हमें खुशी भी मिलती है और उस पर सक्सेस होने के हमें सपने भी आने लगते हैं, हमारी नेत्रों में चमक भी आने लगती है और हम अच्छी उड़ान भी भरने लगते हैं, यानी ज़्यादा मेहनत भी करने लगते हैं, हमारे पैरों में पंख भी लग जाते हैं और हमारी छाती उत्साहित तो होने लगती है। और यहाँ पर कवि कहते हैं, परंतु हे पथिक, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता। कहते हैं कि हे पथिक, अगर रास्ते में एक भी कांटा चुभ गया तो आपके पैरों की जो सारा उत्साह होता है वो नष्ट हो जाता है। पांव का दिल चीर देता, इसका मतलब ये है कि आपने चाहे जितनी बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया हो, अगर उसमें एक कठिनाई आ गई, ठीक है, आपने अगर बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें एक कांटा रूपी कठिनाई आ गई, यानी कांटे की तरह अगर कोई कठिनाई आ गई तो आपकी सारी मेहनत जो है क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और आप क्या करते हैं, तुरंत उस लक्ष्य को छोड़ने की सोचने लगते हैं, यानी एक छोटा सा कांटा आपको अपने जीवन पथ से हताश कर देता है। ठीक है ना, पांव का दिल चीर देता मतलब ये है कि आपको अपने रास्ते से हताश कर देता है और उस रास्ते को छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। और हे पथिक, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कहते हैं कि जैसे ही वो कांटा आता है, यानी जैसे ही वो कठिनाई तुम्हारे सामने आती है, उस रास्ते में जैसे ही वो तुम्हारे सामने कठिनाई आती है तो रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। तो इससे तुम्हारे जीवन में रक्त की बूंद रूपी समस्याएँ आने लगती हैं। ठीक है ना, रक्त की दो बूंद गिरती, जैसे कहीं पर कांटा लगता है तो खून निकल आता है। ठीक है ना, तो खून निकल आता है तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा हमें डर लगता है, कई लोग तो रोने भी लगते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई रक्त की जो दो बूंद गिरती है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो तुम्हारे पास बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं और आपकी सारी कल्पनाएँ खत्म हो जाती है। ठीक है, एक दुनिया डूब जाती मतलब आपकी सारी जितना भी लक्ष्य होता है, जितनी भी आपकी सोचें होती हैं वो सब डूब जाती हैं। ठीक है, और आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। परंतु कहते हैं कवि कि हे पथिक, तुम्हारी आँखों में चाहे स्वर्ग के सपने हों, आँख में हो स्वर्ग लेकिन मतलब तुम्हारी आँखों में चाहे जितने बड़े ऊँचे ऊँचे लक्ष्य हों, तुम चाहे जितने बड़े बड़े सपने देखे हुए हो, परंतु तुम्हारे पैर जो हैं पृथ्वी पर टिके हुए होने चाहिए। क्योंकि कांटा क्या होता है जानते हो आप, कांटा का एक पैर पृथ्वी पर छुआ होता है और दूसरा पैर आपके पैरों को चुभ जाता है। ठीक है ना, तो कांटा यहाँ पर आपको एक सीख देता है,
कि दोस्तों आपके आंखों में, आपके नेत्रों में चाहे जितना बड़ा सपना हो, लेकिन आपका पैर पृथ्वी पर टिका हुआ होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लें, लेकिन आपका काम जो है पर डे लगातार उसी गति से चलता रहना चाहिए। कंटकों की इस सीख, अनोखी सीख का अनुमान सम्मान कर ले। कभी कहते हैं कि हे मुसाफिर, कांटों द्वारा दी जाने वाली इस अद्वितीय, अनोखी मतलब अद्वितीय सीख का तू सम्मान कर और पूर्व चलने के बटो ही अपने रास्ते की पहचान कर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताते हैं, एक एक चीज़ अच्छे से बताएंगे। बस ध्यान से वीडियो में जुड़े रहें। अभी तक कई कंजूस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बताइए उनके लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। एक तरफ आपको लिखना है स्वप्न आता स्वर्ग का, दूसरी तरफ पहचान कर ले, डैश डैश कर दो। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में लिखेंगे, इसमें कभी कहते हैं कि किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उसमें आने वाली कठिनाइयों को समझ लेना चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे, कभी कहता है कि हे पथिक, किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। ठीक है, ये दो गलत हैं। ठीक है, उस समय कल्पना लोक की उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं, छाती उत्साह से भर जाती है, परंतु मामूली सा कांटा पांव में चुभ जाने से सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। अतः पांव में कांटे चुभकर ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आंखों में स्वर्ण के सजीले सपने क्यों न हों, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। ठीक है, सुरक्षित टिकाना चाहिए। हमें पथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पूर्व उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से आपका जो है काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास, और भैया यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि सबको इस तरीके की वीडियो रोजाना मिल सके। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।